हेलो, वो आपने कुछ वर्तमान कुछ सवाल बनाओ। अच्छा, एक कब्र में इंसान की याद आए बिल्कुल गया हो जाए, आपने फरमाया था। और अगर याद आए गया हो गए तो ये उनके नकीर जो है इनके सवाल के बाद ये मैंने बताया। आज ये याद नहीं आ रहा। हाँ, मुनकर नकीर की सवाल इधर ही है, मरने से पहले जवाब दे के जाओ। आप आगे के लिए पढ़ने छोड़ जाना, मैंने आगे पहले बताया। आप इसे जवाब दे के जाओ कि दीन क्या है, आपका रब क्या है, आप किस मसले के बारे हो, अब क्या हो। ये ना कहना मैं खबर में जाके बताऊंगा, तो मुनकर नकीर उन लोगों के पास रोज आते रहते हैं, हिसाब किताब उनका बराबर रहता है, समझे बात। तो आप कहते कब्र में जाके मैं बताऊंगा, तो आपके पास अभी हर रोज कब्र होती है। इस जाल को अल्लाह ताला ने कहा कि जिस वक्त जिसको रात आती है सुला देता हूँ, अब इसे पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, तो जिसको हम चाहते हैं रूह वापस लौटा देते हैं। बस इतनी सारी कहानी है। तो किसी आइंदा की कब्र का इंतजार ना करो, तो मोमन जो है ना वो अपनी कब्र को साथ लेके चलता है। काबर की मौत अचानक आती है और मोमन जो है ना मौत में रह के जिंदगी का जलवा करता है। आप मौत के अंदर ही बैठे हो, क्योंकि आपका तसव्वुर यही है कि अल्लाह ताला के फजल से आप चल रहे हो, आपकी सारी लॉयल्टी जो है ना माजी के साथ है, जो गुजरा हुआ है, आपको मौत का तसव्वुर ही हो रहा है। शहीद को मानने वाला क्या मौत को मानेगा, हम तो शहीद को जिंदा मानते हैं, आप कैसे मानते हो। बस भी ठीक है, वरना अगर फरिश्तों ने अरबी में सवाल कर लिया और आदमी अरबी नहीं जानता, तो बेहतर है ना यदाज भूल ही जाए ताकि कुछ नया इलम मिल जाए उसको वहां पर, वरना पंजाबी में ये बोलेगा फरिश्ता अरबी पूछेगा, सुना अभी तुम्हारा क्या हाल है, ये कोई अरबी बोलने लग जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये बताया गया सिर्फ जिंदगी वालों को बताया गया कि ऐसा होता है, ताकि तुम सही सलामत सिमट के चलते जाओ। जिसे ये बताया गया कि एक 10 दुनिया में और 70 आखरत में, 10 में यहाँ खर्च होगी, 70 मिल जाएगा आखरत में। बेशुमार लोग होते हैं कि आखरत में 70 मिलेगा, उधर वहाँ खर्च करने की जगह कौन है, वहाँ यार क्या करोगे 70 बैग को। किसी ऐसे इलाके में चल जाओ जहाँ करेंसी नहीं चलती आप जीत, क्या करोगे पैसे को। तो करेंसी और है वहाँ पर, 70 लफ्ज़ वही है लेकिन मजमून और है, वाकयात और है। इसलिए यहाँ की गिनती जो है ना वो आपको ऐसी बताई है जो और समझ नहीं सकते बात, आप सिर्फ इन्हीं दुनिया की देखी हुई चीज़ों के अंदर आप जज करते हो वाकयात को। अल्लाह की रहमत कैसे होती है, कहते ये समझ लो अल्लाह की रहमत होती है जैसे सहरा के अंदर जो है ना बस रहमत का साया, बादल का साया, इंसान समझ जाता है सहरा की धूप में बादल का साया, समझ जाता है कि हम ये रहमत है। लेकिन असल में अल्लाह की रहमत क्या होती है, अल्लाह को पता है अल्लाह की रहमत क्या होती है, आप समझ रहे बात। देखिए जिंदगी के अंदर जब तक आप हो, आपको जिंदगी की टर्म्स में बात समझाई जा रही है, मतलब अल्लाह जाने वो खबीर है, जानने वाला है, किस तरह खबीर है आप बयान नहीं कर सकते। कहते बस अल्लाह जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है, तो वो बिल्कुल उसी तरह सुन लेते जैसे हाँ कहते सुन लेते। अब ये आपको जैसे जैसे डेवलप करता है आपका दिन उस तरह कहते हैं, ऐसी खबर आती है अल्लाह को, ऐसी खबर आती है कि अल्लाह सुनता है, कैसे सुनता है। अब कान वाले को समझाया जाए भाई कान नहीं है लेकिन वो सुनता है, क्योंकि वो कान बनाने वाला है, उसको पता है कैसे सुनना होता है। लेकिन अल्लाह ताला उस फरियाद को भी सुनता है जो अभी पैदा नहीं हुई। सुभान अब यहाँ कान नहीं रहते, अब वैसे में तो ऐसी फरियाद जो अभी पैदा नहीं हुई है उसको भी सुनता है। तो अल्लाह की यार समाज का मजमून और है। तुम्हें जिंदगी में जिंदगी के अंदाज से बात समझाई जा रही है कि ये कब्र होगी, वहाँ ख्याल करना, वहाँ सवाल होंगे, ताकि अभी सवाल जो है इंतजार कर लो। ये नहीं कि फिश्ते आके अरबी में बोलेंगे, तुमसे बात करेंगे कि हेलो हेलो हाउ डू यू डू। अच्छा, फिर आपको वो जो याद था नहीं कलमा तीसरा याद था वो किधर का सारी किताब मेरे पीछे रह गई, तो ये नहीं है जो बात कि वहाँ पंजाबी बोलने वाले को अरबी में सवाल कर दिया जाए, ये तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते। आप समझ रहे बात, अल्लाह का मजमून ही और जिस जबान में आप पैदा हुए उसी जबान में मतलब आपका वाक़ा चलते जा रहे हैं। बस आप जिंदगी में अल्लाह ताला की बात समझो, जिंदगी के अंदर ही फैसला करो।